दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सॉन्ग की फर्स्ट लाइन को। सबसे पहले हमें प्ले करना है जी स्ट्रिंग पे 7 जो कि थर्ड फिंगर आएगी, और बी स्ट्रिंग पे 6 यहाँ पे हमारी सेकंड फिंगर आएगी। तो इसे कैसे प्ले करना है, 7/6 को प्ले करना है हमें, तो ग्रुप ऑफ टू नोट्स को 5 टाइम, फिर लास्ट में अपना 7 से स्लाइड होगा और 5 पर लैंड होगा। पहले हमें इतना प्ले करना है, ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। मैं स्लो प्ले कर देता हूँ, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर। अब हमारी नेक्स्ट लाइन को प्ले करते हैं हम पहले हाफ पार्ट अपना, कुछ इस तरह हमारा हाफ पार्ट रहेगा 6/8, 6/8 2 टाइम। अब यहाँ से हम स्लाइड करके जा सकते हैं और डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं वन करके। तो फिर 10 प्ले किया था लास्ट में, फिर उसके बाद 8/6 स्लाइड किया, 6/8, 6/8, 8/10, फिर 8/6 स्लाइड किया, और यहाँ 6/5 भी कर सकते हैं, नॉर्मली प्ले कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा, यहाँ तक हमने प्ले कर लिया, फिर हमारा आएगा तो 8/8/8, फिर 8/8 पे फिंगर आएगी हमारी 3 टाइम प्ले करने के बाद, फिर इस तरह स्लाइड आएगा 11 पर, फिर 10/8 पर स्लाइड, फिर एक बार और 8 प्ले करेंगे, और फिर 8/10 पर स्लाइड। ये मैंने बहुत स्लो प्ले किया है तो मे बी कंफ्यूजिंग हो, थोड़ा सा फास्ट प्ले करते हैं इसे। कुछ इस तरह आएगा, फिर इसे मैंने अभी इसको स्लो ही दिखाया आपको, इससे आपको आसानी समझ में आ जाए कहाँ पे स्लाइड है कहाँ पे नोट्स हैं। तो ये हमने सेकंड लाइन कर ली, फर्स्ट लाइन कर ली, और इसके बाद आपको यही रिपीट करना है फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट सेकंड एंड अगेन फर्स्ट सेकंड। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर हो गया। अब चलते हैं हम अपनी फिफ्थ लाइन पर। अब जो हमारी फिफ्थ लाइन है वो हमारी स्टार्ट है कुछ इस तरह, तो ये कैसे आएगा 6/6/6/6, फिर E8, फिर 6/6 आएगा E स्ट्रिंग पर। फिर आएगा हमारा 6/5 हमने प्ले कर दिया यहाँ पे, 5 के बाद हमारा 6/5 वापस से आएगा, फिर 8/8, 6/5 बी स्ट्रिंग पर चल रहा है हमारा 8/8, 6/5 and 6 and last में 8। फिर हमारा इतना पार्ट हो गया कहां तक, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाली लाइन पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कुछ इस तरह है, ये बहुत इजी सा पार्ट है, इसको देखते हैं कैसे प्ले करना है। तो वैसे ही ऐसे हमने लास्ट वाले पार्ट में प्ले किया था 6/6/6 and 6 बी स्ट्रिंग पर है, फिर 8/6/6, फिर उसके बाद आएगा हमारा B6 B8, और यहां से आप स्लाइड भी कर सकते हैं इस तरह। तो स्लाइडिंग वाला फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नॉर्मल प्ले करने से बेटर रहेगा। तो अभी हमने पूरा प्ले कर दिया, मैं स्लो स्लो प्ले करता हूँ। फिर उसके बाद हमारी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ये हो गई, फिर थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन सेम है, फिर ये वाली आएगी लाइन हमारी फिफ्थ।
जो मैंने लाइन अभी आपको दिखाई है प्ले करके, वही मैंने आपको टैब्स में दिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।